न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टू, रुद्र हुंडई, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस्ट ज्वेलरी। बनपुर में ओवरलोडिंग बालू से लदे डंपर ने बाइक को मारा धक्का, दो युवक की मौत, दोनों युवक तृणमूल कार्यकर्ता, पूरे इलाके में शोक की लहर। दो तरोताजा प्राण के हरा ला, आगामी दिन हो तो हम डंपर तलाय चले आते। डंपर के टक्कर से हुई दो युवकों की मौत के बाद आम नागरिकों में आक्रोश, हीरापुर थाना के सामने प्रदर्शन कर मुआवजा की मांग। बनपुर में हुई दुर्घटना के बाद दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। पार्षद गुलाम सरोवर ने मुफ्त में घरों घर वाटर कनेक्शन देने की मांग की, मेयर को लिखा पत्र। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार ने एक बार फिर दो युवक की जिंदगी असमय ले ली। यह हृदय विदारक घटना हीरापुर थाना क्षेत्र के चित्रा मोड़ के समीप मंगलवार की रात घटी, जहां ओवरलोडिंग बालू से लदे एक डंपर ने तेज रफ्तार में एक बाइक को धक्का मार दिया, जिसके कारण बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों युवकों को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे युवक को दुर्गापुर स्थित गौरी देवी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बुधवार की सुबह इलाज के दौरान दूसरे युवक की भी मौत हो गई। दोनों युवक की पहचान बरनपुर पूर्णिया तालाब निवासी बिट्टू सिंह और बरनपुर नवा घाटी निवासी विदेशी देवघरिया के रूप में हुई है। बिट्टू सिंह युवा तृणमूल कांग्रेस आसनसोल दक्षिण प्रखंड के महासचिव थे। दोनों युवक आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 78 के पार्षद अशोक रुद्र के करीबी माने जाते थे। इन दोनों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, साथ ही पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में आक्रोश है। घटना का संबंध पार्षद अशोक रुद्र ने बताया कि दोनों युवक लिट्टी चोखा खाने के लिए बाइक से रात 10 बजे लगभग चित्रा मोड़ आ रहे थे, तभी ओवरलोडिंग बालू से लदे एक डंपर ने इन्हें पीछे से धक्का मार दिया। तारा बाइक नहीं जाचिल आसनसोलर दिखे, ओवरलोडेड ट्रक, ओवरलोडेड बालू ट्रक पेछन थे कैसा धक्का मारे, एक जन मोटामुटी स्पॉटे ही प्राय शेष हो गया, एक जन आजकल सकाले गौरी देवी हॉस्पिटल नहीं गेले से डेथ। तो ये नहीं बार बार हमीय प्रशासन के जानिए क्या हमार वार्डर ऊपर दिए गाड़ीगुलो जाए এবং যে গতিতে যায় যে কোনো দিন আগেও বিপদ ঘটেছে। গতকালও আমরা দুটো তরতাজা প্রাণকে হারালাম, আগামী দিনে হয়তো আমিও ডাম্পারের তলায় চলে আসতে পারি। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে বানপুরবাসীর ওপর চলতে পারে না, আমরা রাস্তায় বেরোবো কি করে, ঘরের কাজ হবে রাস্তায় নেমে আমরা রাস্তায়। मंगलवार की रात चित्रा मोड़ के समीप ओवरलोडिंग बालू से लदे डंपर ने बाइक को धक्का मार दिया, जिसमें बिट्टू सिंह और विदेशी देवरिया नामक दो युवक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने मुआवजे की मांग पर हीरापुर थाना का घेराव किया। इन लोगों की मांग थी कि मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही बालू ढुलाई बंद करवाई जाए, जिस डंपर ने धक्का मारा है उसके चालक को सजा दी जाए। घेराव के दौरान प्रदर्शन कर रहे नागरिकों में काफी आक्रोश था, वे लोग पुलिस अधिकारी से बार बार पूछ रहे थे आखिर किसकी सह पर यह ओवरलोडिंग अवैध बालू ढुलाई का धंधा चल रहा है। तृणमूल नेता कैप्टन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। দুটো বাচ্চা তারা কাকে বাবা বলবে, কাকে বাবা বলবে, কোনো তুনাই নাই কিচ্ছু হবে না, আমরা রাস্তায় বেরোবো কি করে, ঘরের কাজ হলে রাত্রিবেলায় 11টার পর আমরা রাস্তায়। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मृत युवक जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनके सुख दुख में वे लोग हमेशा शामिल रहते थे। उनकी मौत से स्थानीय लोगों में अपूर्णीय क्षति हुई है। তৃণমূলের কর্মী থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে তারা বানপুরের শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা এবং আমাদের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বলতে গেলে এই দুটো ছেলে যে মারা গেছে তারা তাদের লাস্ট যে কালকে জীবন যেতে কি করেছিল তারা প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মানুষের জন্য তারা নিজের নিজের ফিল্ডে কাজ করেছে। তারা যে কোনো সমাজসেবা যে কোনো মানুষের সুখ দুঃখতে তারা সবসময় এগিয়ে থাকতো, আর তাদের জন্য আজকে আমাদের এখানে আসতে হচ্ছে এটাই আমাদের সবথেকে বড় দুঃখের বিষয় যে শুধুমাত্র তাদের কোনো ভুল নেই, তাদের কোনো দোষ নেই,
একটা বালুর ট্রাক ওভারলোডেড ট্রাক ফুল স্পিডে সে একটা দুজনে মিলে বাইকে করে যাচ্ছিল দুই বন্ধু পিছন থেকে তাদেরকে ধাক্কা মেরে তাদেরকে রোডের মধ্যে এমনভাবে আহত করেছে যে এক বন্ধু স্পট ডেড হয়ে গেছে আরেক বন্ধু দু ঘন্টা পর নিজের প্রাণ ত্যাগ করেছে। आसनसोल नगर निगम 78 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अशोक रुद्र दो तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं के बालू के डंपर से धक्का लगने के कारण मृत्यु से काफी आहत है। इस घटना को लेकर वे पुलिस प्रशासन के प्रति काफी आक्रोशित भी दिखे। उन्होंने कहा कि दामोदर नदी घाट से ओवरलोडिंग अवैध बालू का धंधा चल रहा है, इसमें प्रत्येक डंपर पर 300 रुपए की भी वसूली की जा रही है। আগে ট্রাকগুলো 9:45 সময় ঢুকে যেত, আমরা বলেছিলাম যে ট্রাককে পরে পাঠাবেন, 10:00 সময় স্কুল ছুটি হয়, তাও এখানে ট্রাক আসতো ওভারলোড খুব জোরে, এখানে বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হতো, প্রশাসন কোনো কথা শোনেনি। এবং কালকে যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা বলেছে যে ওভারলোডেড ট্রাক মেরে দিয়েছে এবং বারবার এই ওভার বালু লোডেড এবং যে কোম্পানিটা করে তারা কি সত্য পেয়েছে, কাদের এর পিছনে মদত আছে আমার জানা নেই। উল্টে এই বালু চুরি এবং বালু তোলাবাজির এগেনস্টে বারবার প্রশাসনকে বলায় প্রশাসন একটাই কাজ করেছে, পদক্ষেপ কি করেছে, আমার যে সিকিউরিটি ছিল সেটাকে তুলে নিয়েছে, সেটা কোনো ব্যাপার না, আমাকে সরকার সিকিউরিটি দিল কি না দিল সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এই যে তরতাজা প্রাণগুলো যাচ্ছে, দুটো আমার তৃণমূলের ভাই মারা গেল এই কাজগুলোর জন্য, কোথাও কোথাও ট্রাক পিছু এখানে সবাই জানে 300 টাকা করে তোলা হচ্ছে, সরকারটা বদনাম হচ্ছে, এর দায়টা কে নেবে? আলটিমেটলি তো সরকারের ওপর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ওপর কালি পড়ে। কাল তো আপনারা এখানে ছিলেন, দেখছিলেন পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাত্রির 11টার পরে ট্রাক এখান থেকে জোরে জোরে যাচ্ছে। তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা অনুরোধ করব সিসিটিভি বার করে অ্যাক্সিডেন্ট কোন ট্রাক করেছে কি করেছে, এবং এই যে গ্রুপটা এখানে আমরা জানি সে নদীর গভীরতাটা বাড়ানোর জন্য কাজ পেয়েছে, এবার বালু তুললো কি না তুললো কি করলো, ওভারলোড বালু যাচ্ছে এর সাথে যারা যুক্ত প্রত্যেককে শাস্তি দিতে হবে। দুটো কোনো মূল্য হয় না, আমাদের দুটো ভাই বিদেশ দেবরী আর বিট্টু কালকে মারা গেছে জানেন ওভারলোড এই ট্রাকের জন্য, যেটা নিয়ে বারবার আমরা চিঠি করেছি, তো কোম্পানির সাথে কথা হয়েছিল, তো কোম্পানি ইনিশিয়ালি বলেছে দুজনকে দুটো পরিবারকে, আমরা দাবি অনেক বেশি করেছিলাম, আপাতত 6-6 লক্ষ টাকা করে দেবে, আজকে 2 লক্ষ টাকার চেক দেবে, 10 দিনের মধ্যে আরও 4 লাখ টাকা করে করে চেক দেবে, এরপরে ওনাদের কোম্পানির তরফ থেকে লোক আসবেন, তারা বসে বাকি যেটা এই দুটো পরিবারের বক্তব্য সেটা তারা কথা বলবে। তো ওনার পরিবারের সাথে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমরা ছিলাম, কোম্পানির সাথেও কথা হয়েছে ইনিশিয়ালি, আজকে আমরা চললাম দাহ করতে, এরপরে পরবর্তীকালে আমরা যেটা দাবি করেছি যে যদি এই ওভারলোডিং আপনারা জান বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আজকে দুটো প্রাণ গেল আর দুটোই কিন্তু আমাদের দলের ছিল, একজন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল বিদেশ দেবরী, তো এই অবস্থা থাকলে কিন্তু এখানে এবার বানপুরের মানুষ এই ওভারলোড লরি আর লরির সাথে যারা দুর্নীতিতে যুক্ত কাউকেই কিন্তু ছাড়বে না। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए, BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार, BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिस्ट कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी GT रोड आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्ट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहनदा फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान, तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, सिटी रोड, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी, हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी, जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। कुल्टी थाना क्षेत्र के बराकर फाड़ी पुलिस ने मंगलवार की शाम बराकर दमोदर नदी स्थित पंप हाउस के पास से एक युवक को एक देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उसके घर में दबिश दी तो उसके घर के खिड़की के पास से भारी मात्रा में डेटोनेटर बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम नियाज खान है, वह बराकर के मनबेड़िया में रहता है। पुलिस ने बुधवार की सुबह आरोपी नियाज खान को आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से जज ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि नियाज खान के परिजनों का कहना है उसे साजिश के तहत साजिद अख्तर ने फंसाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जमीन को लेकर साजिद अख्तर के साथ विवाद हुआ था, जिसमें उसने फंसाने की धमकी दी थी। वह ये था, वो नदी गया था मछली पकड़ने के लिए और उसके पास में ही कोई गन रखा है, उसके पास में ही उसको दिया हुआ है किसी ने, मतलब उसके पास था नहीं पहले से, उसको दिया है और वो रखा है। और जैसे मतलब पुलिस गए हैं वहाँ पे सिविल ड्रेस में, उसके आसपास उनको क्या पता है कि किस लिए आए हैं। अगर उसका होता तो वो तो चौकन्ना रहता ना कि फेंक देंगे या कुछ करेंगे, तो उसका तो है नहीं पहली बार, पहले से साजिश किया हुआ है। और सबको वहाँ पे इतने सारे लोग हैं नदी में, किसी को तो पता नहीं है कि वहाँ पे, पुलिस को कैसे पता चल रहा कि वो नियाज फंसाने की कोशिश की गई है वहाँ पे। कौन दिया था उसको हथियार? साजिद अख्तर। रास्ता पार करने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसे ट्रैफिक पुलिस की मदद से महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित बताया। घटना बुधवार की सुबह भिरंगी मोड़ संलग्न 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। स्थानीय सूत्र के मुताबिक आसनसोल जाने वाले रास्ते में अधेड़ व्यक्ति गिर पड़ा था, स्थानीय लोगों ने उसे देख कर ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी। ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वृद्ध व्यक्ति को उठाकर एक गाड़ी की मदद से उसे महकमा अस्पताल इलाज के लिए ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित बताया। लोगों का अनुमान है कि कोई छोटी गाड़ी नियंत्रण खोकर व्यक्ति को मारकर फरार हो गई। कुछ देर पड़े रहने के बाद स्थानीय लोगों ने देखा है, व्यक्ति का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरोवर प्राय पत्र और ज्ञापन के माध्यम से जनहित मुद्दे उठाने को लेकर समाचार पन्नों में सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अमृत परियोजना का दूसरा चरण का पैसा आ रहा है, पहले चरण के पैसे की जैसे बंदर बांट न हो, इसलिए नगर निगम आसनसोल के नागरिकों को 24 घंटा जलापूर्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम हर घर को जल संयोजन मुफ्त में जरूर दे। अमरुद प्रोजेक्ट का सेकंड फेज जो पैसा 400 करोड़ रुपीस के करीब करीब कॉरपोरेशन को दिया जा रहा है, ताकि लोगों को 24 घंटा पानी मुहैया किया जा सके, मेरा ये कॉरपोरेशन से, मेयर साहब से मुतालबा है कि 24 घंटा पानी तो शायद ही आप दे पाएंगे, लेकिन कम से कम तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया जाए, ताकि पूरे कॉरपोरेशन इलाके में स्ट्रीट टैप का और कोई ज़रूरत ही नहीं रहे।
लोगों को सहूलत देने के लिए, और प्रीवियस जो प्रोजेक्ट का जो लूटमार हुआ है उस तरह का ना हो, और अगर मुमकिन हो तो प्रीवियस जो अमरुद प्रोजेक्ट का पैसा आया था उसका एक बार आप इंक्वायरी कराइए कि वो पैसा किस ढंग से खर्च हुआ। उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले को अमल में लाएंगे। अलेक्सा, टर्न ऑन माय कार्स एसी। Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी, ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई वेंचर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में बुधवार की देर संध्या भाजपा सांसद लाकेट चटर्जी ने दौरा किया एवं कई कार्यक्रम में शामिल होकर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भेंट की। सांसद से मिलने हेतु काफी संख्या में भाजपा समर्थकों की भीड़ जमा हुई। शहर के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट इलाके में सांसद देर संध्या पहुंची, जहां उन्हें संगठन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। लॉकेट चटर्जी ने चाय पान करते हुए 16 नंबर वार्ड के झंडा बाग रवाना हुई, जहां आयोजित विजय सम्मेलन में शामिल हुई। देर रात तक सांसद दुर्गापुर के SP मोड़ सहित कई इलाकों में घूमकर पूजा मंडप के दर्शन के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं संग भेंट
भेंट की। सांसद के स्वागत में भाजपा विधायक लखन गुरुई, भोला साव, अभिजीत दत्ता, चंद्रशेखर बनर्जी सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय थे। ওনার নিজের যেটা সুপ্ত বাসনা থাকে যে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করেন, ওই জন্য উনি নিজে বারবার এই ধরনের যেটা ওনার মাথায় করে সেটাই বলেন। সবসময় ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় মনে রাখবেন, যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটে সেই মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য আগে এগিয়ে যায়, কখনো তারা কখনো এই জিনিস করতে পারে না। দাঙ্গা যারা বাজাতে চায় তারা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে, তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে। আজকে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল আমাদের, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা এখানে আসবেন, মিটিং নেবেন, তার প্রস্তুতি বৈঠক ছিল। सलानपुर में दुआरे सरकार कैंप फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को सलानपुर प्रखंड के देंदुआ ग्राम पंचायत के बसकटिया गांव में दुआरे सरकार कैंप का आयोजन किया गया। इस बार कैंप में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के साथ राज्य विद्युत वितरण निगम का विशेष काउंटर है। इस मौका पर सलानपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भोला सिंह और ब्लॉक इंटक अध्यक्ष मनोज तिवारी ने विधायक प्रतिनिधि के रूप में शिविर का दौरा किया। इस दौरान भोला सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के अलावा शिव पत्ता, बिजली, मत्स्य पालन, बीमा के लिए नई परियोजनाएं स्थापित की गई है। पुरानो जो प्रकल्प होता तो आज राज्य सरकार नतून प्रकल्प अपना पट्टा देवा पट्टा जो घर घरे बस पास कर पट्टा पुरानो जो आपनर विद्युत विद्युत नहीं 50% पुरानो बिलगुल आज बकाया 50% मुकुब कर देवा हम तरह फिशरि डिपार्टमेंट थी एक कैम्प लगाना होता है फिशरि प्रकल्प तीनटे प्रकल्प नतून चालू कर। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस्ट ज्वेलरी,